हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 17 स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ। बहुत सारा रेप्यूटेड स्कूल है, NVS है, नवोदय विद्यालय की रिक्रूटमेंट की अपडेट है और अदर स्कूल का भी है दोस्तों। और वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड अदर स्टेट से वैकेंसी की अपडेट आज लेकर के आई हूँ। बहुत सारा स्टेट्स है, कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इन स्टेट से वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि किन स्टेट से आप लोगों का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मैं लाने की कोशिश करूँगी। और मैं ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसी का अपडेट देती रहती हूँ। एंड नेक्स्ट अब तो नवंबर पड़ गया है, नवंबर से अप्रैल मई तक बहुत सारा वैकेंसीज़ की अपडेट आने वाली है दोस्तों। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा और प्रिपरेशन लेते रहिएगा। रिटन टेस्ट, अच्छे अच्छे स्कूल पे रिटन टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करते रहिए आप लोग। एंड NVS का भी, जो NVS KVS का भी जो कंट्रेक्चुअल जॉब होता है दोस्तों, उनमें भी आप लोग अप्लाई करेंगे एंड ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, ओनली इंटरव्यू से ही आप लोगों को कंट्रेक्चुअली रिक्रूटेड किया जाता है। एंड उसका जो एक्सपीरियंस गेनिंग होती है आप लोगों का, वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, बहुत ही वैल्यूएबल होता है परमानेंट जॉब मिलने के लिए। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा कंट्रेक्चुअल कह के, बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, बट गेनिंग बहुत ही अच्छी होती है। एज अ परमानेंट टीचर यहाँ पे सैलरी दिया जाता है, बट कुछ कम तो दिया जाता है दोस्तों, लेकिन एज अ परमानेंट टीचर ही आप लोगों को काम करना पड़ता है। ये थोड़ा अपसेट की बात है कि वैसे सैलरी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बट 30,000 तक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। 35, 33 NVS एंड KVS में 27 ऐसा करके पे लेवल होता है यहाँ पे। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ओनली इंटरव्यू देकर के ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, रिक्रूटेड हो सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन लेते रहिए। और जो आज मैं बहुत सारा वैकेंसी का अपडेट लेकर के आई हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। DPS से है, NVS से है, अदर स्कूल से है दोस्तों, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट से। और अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट मैं आगे भी लाती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस वैकेंसी का अपडेट बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारा वैकेंसीज़ की अपडेट कवर करती हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप ना करके वीडियो का स्पीड बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का नज़दीक एंड आप लोगों का जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स होता है वो मिस हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में मैं वैकेंसीज़ के अपडेट कवर करूँगी। एंड आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं सारा डिटेल्स नहीं पढ़ पाती हूँ, ये इम्पॉसिबल होता है दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर मैं सारा डिटेल्स कवर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी आई हुई है धनबाद पब्लिक स्कूल से, जो कि धनबाद गोविंदपुर रोड से आई हुई है। यहाँ पे देखिए, PGT, TGT, PRT, प्री प्राइमरी स्पेशल एडुकेटर, काउंसिलर, हॉस्टल वार्डन, फीमेल ओनली, ये सब में रिक्वायरमेंट है, आप लोग देख लीजिए। PGT में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है और TGT में भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है दोस्तों। और PRT में ड्राइंग एंड डांस है, प्री प्राइमरी में NTT और ACCE ट्रेनिंग होनी चाहिए आप लोगों का। फीमेल ग्रेजुएट्स का ही यहाँ पे प्रेफरेंस है, मतलब कि ओनली फीमेल ही यहाँ पे मांगा गया है, रिक्वायरमेंट है। स्पेशल एडुकेटर में RCI अप्रूव्ड होनी चाहिए, काउंसिलर में MA इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, हॉस्टल वार्डन के लिए फीमेल ओनली, क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, एज बिटवीन 30-40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हु लैक फ्लुएंसी इन इंग्लिश नीड नॉट अप्लाई, एप्लीकेशन अलोंग विद अ फोटोग्राफ एंड जेरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल शुड बी सबमिटेड पर्सनली और सेंट बाई पोस्ट इन द स्कूल ऑफिस लेटेस्ट बाई 19 नवंबर। तो 19 नवंबर के अंदर आप लोगों को जेरोक्स कॉपीज़ में सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे नहीं बोला है, तो फिर आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके डेट दे करके दे सकते हैं। एंड विथ इट आप लोगों को एप्लीकेशन देना होगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख करके दीजिएगा, बहुत सारा बात नहीं लिखिएगा, छोटा सा एक इम्प्रेसिव लेटर लिख करके दीजिएगा, कैची एप्लीकेशन लेटर होता है जो एज अ टीचर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहता है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की, ठीक है, बहुत ही बिज़ी रहती हूँ, आप लोग भी बिज़ी रहते होंगे दोस्तों, इसलिए नहीं होता है, नहीं होना दे पाता,
ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी देने की, बहुत ही इम्प्रेसिव एक छोटा सा कवर लेटर और एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखा जाता है, मैं जैसे अप्लाई करती हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखा दूँगी। ठीक है, तो फोटोग्राफ एंड जेरोक्स कॉपीज़ के साथ आप लोग 19 नवंबर के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी यहाँ पे देखिए एज पर CVC नॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, धनबाद पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यादविंद्र पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है जो कि मोहाली से आई हुई है। दोस्तों आप लोग स्टेट चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सीनियर विंग फैकल्टी, जूनियर विंग फैकल्टी में रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। देखिए किंडरगार्टन विंग में भी रिक्वायरमेंट है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग www.ypschd.com पे जाकर के स्कूल के बारे में फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ नंबर मिले तो वहाँ पे फ़ोन करके आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है कि एक स्पेसिफिक डायरी बना करके रखने को, वहाँ पे आप लोग स्कूल का नाम, स्टेट, लोकेशन एंड ईमेल आईडीज, फ़ोन नंबर्स अच्छे से लिख करके रख सकते हैं एंड वन बाय वन अच्छे से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लेटर गलत होने से ईमेल नहीं सेंड होगा आप लोगों का। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली कीजिएगा, अच्छे से ट्राई करते रहिएगा, ऐसे आप लोग ज़रूर सक्सेस आप लोगों को ऑप्टेन होगी। एंड मेरा तो हिंदी वीक है, बहुत ही वीक है दोस्तों, तो भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए जो अपडेट होता है वैकेंसीज़ का वो पहुँचाने की। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय से है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोग हिस्ट्री से है, तो PGT हिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा। सभी JNB, KVS, बहुत सारा ये सब स्कूल दोस्तों, APS बोलो, जवाहर नवोदय विद्यालय बोलो, केंद्रीय विद्यालय बोलो, ये सारा सा सारा स्कूल कॉन्ट्रैक्चुअली चल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअली टीचर रिक्रूटेड होता है। बट परमानेंट जो टीचर होता है दोस्तों, बहुत ही कम रिक्रूटेड होता है, वैकेंसी बहुत ही कम होती है दोस्तों। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, NVS का फॉर्म निकल चुका था, फॉर्म फिलअप भी आप लोग किए कर दिए होंगे। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के अंदर परीक्षा भी हो जाएगी आप लोगों का, बट वैकेंसीज बहुत ही कम ही रहती है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर चांसेस कम हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से 100% लेते रहिए, बट कॉन्ट्रेक्चुअली अगर आप लोग ज्वाइन कर पाए तो बहुत ही अच्छी गेनिंग होती है, यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है दोस्तों। तो PGT हिस्ट्री में देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। MA इन हिस्ट्री होनी चाहिए आप लोगों का, 50% मार्क्स होनी चाहिए, BA डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होनी चाहिए। तो इंग्लिश में ही आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ये CVC स्कूल है दोस्तों और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है ये, बहुत ही सम्मान मिलती है यहाँ पे, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब होता है NVS, KVS, APS में। ठीक है, और देखिए, एक्सपीरियंस एज PGT इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी दोस्तों। ठीक है, 35,750 रुपीज़ दिया जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग ज़रूर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो अटैच कीजिएगा। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, 35,750 रुपीज़ एंड प्लस यहाँ पे फूड एंड रेंट फ्री, सिंगल और शेयरिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फूड दिया जाएगा विद स्टूडेंट्स एंड रेंट फ्री, सिंगल और शेयरिंग अकोमोडेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 14 नवंबर के मतलब कि 14 नवंबर ही यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी, सॉरी मंडे 14 नवंबर को सुबह 10 से 2 बजे तक, और जवाहर नवोदय विद्यालय शिवारा गुड्डा मांडिया डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई हुई है। टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से रिक्रूट किया जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों 31 मार्च 2023। बट दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो इंटरव्यू तो लिया ही जाता है हर एक सेशन के लिए, बट अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छी हो तो नए टीचर ना आने से आप लोगों को फिर से रिक्रूट किया जाता है आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन एक हो ही जाता है दोस्तों, और परमानेंट टीचर आती बहुत ही कम है। ठीक है, देख ही रहे होंगे आप लोग कि वैकेंसीज बहुत ही कम रहती है, तो बहुत सारा स्कूल्स, KVS, AVS, APS, NVS, बहुत सारे ये सब स्कूल्स दोस्तों विदाउट परमानेंट टीचर ही चल रहा है। तो
एक्सटेंशन किया जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा दोस्त बहुत सारा दोस्त यहाँ पे काम करता है, तो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, ठीक है। TDA कोई भी नहीं दिया जाएगा, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। विजय कर्नाटका से ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन करके कोई भी डिटेल्स आप लोग पूछ सकते हैं, कर्नाटका की वैकेंसी है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल अजमेर से वैकेंसी है दोस्तों, थोड़ा सा हेजी है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। DWPS इन्वाइट्स, सॉरी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है ये, अजमेर से है, और यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस प्राइमरी और वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी ये सब का रिक्वायरमेंट है। ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है हेडमिस्ट्रेस के लिए, प्राइमरी के लिए हेडमिस्ट्रेस और सीनियर सेकेंडरी के लिए वाइस प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है। PGT में देखिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, अकाउंटेंसी में रिक्वायरमेंट है। PRT DGT में रिक्वायरमेंट है। प्री प्राइमरी टू क्लास 2 मदर टीचर का रिक्वायरमेंट है, और कोचेस फॉर वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, थिएटर, म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, डांस, इंडियन और वेस्टर्न एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में रिक्वायरमेंट है। और स्पेशल एजुकेटर, काउंसिलर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एस्टेट ऑफिसर, प्रो, ये सब में रिक्वायरमेंट भी है दोस्तों। तो आप लोग CV सेंड कर सकते हैं विद इन 2 वीक्स career@dwpsajmer.com पे, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए नंबर दिया गया है और वेबसाइट भी दिया गया है, यहाँ पे आप लोग वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी ट्रेंड, एप्लीकेंट्स मस्ट बी ट्रेंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर से भी विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, पे स्केल एज पर CVC नॉर्म्स। तो एज पर CVC नॉर्म्स यहाँ पे आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। बट दोस्तों DPS DAV सबसे बड़ा दोस्तों मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल बहुत ही रेपुटेड स्कूल है, बट यहाँ पे तो लिखा जाता है दोस्तों कि 3 ईयर्स 4 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, बट दोस्तों यहाँ पे सैलरी एज़ पर अकॉर्डिंग टू मतलब कि 7 पे कभी पे लिखा रहता है, लेकिन ऐसे सैलरी नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि क्योंकि फ्रेशर्स को यहाँ पे मौका दिया जाता है, एक्सपीरियंस तो लिखा रहता है, लेकिन एज अ फ्रेशर भी आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, रिटन टेस्ट दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं, आप लोगों को ज्वाइन भी किया जा सकता है एज अ फ्रेशर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर्स का जो सैलरी होता है बहुत ही आइडियल सैलरी से बहुत ही कम होता है। 7 पे लेवल कहा तो जाता है अकॉर्डिंग टू CBSE, अकॉर्डिंग टू DPS नॉर्म्स दिन लिखा तो रहता है दोस्तों, लेकिन वैसे सैलरी नहीं दिया जाता है। बट कंपेरेटिवली अदर्स जो प्राइवेट स्कूल होता है दोस्तों, उससे बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाता है, एंड स्कूल एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से, एंड बहुत कोऑपरेशन मिलता है टीचर्स से। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सैलरी मतलब कि परमानेंट आप लोगों को तभी रखा जाता है अगर आप लोगों को एक मौका दिया जाता है एज अ फ्रेशर, कि आप लोग कैसे कर पाए, क्लास मैनेजिंग पावर कितना है आप लोगों का, क्लास परफॉर्मेंस कितना है आप लोग, कितना स्पोकन आप लोगों का अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे आप लोग कैसे कनेक्शन कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को परमानेंट किया जाता है 2 to 3 ईयर्स के बाद। उससे पहले आप लोगों को एज अ फ्रेशर ही सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, कंपेरेटिवली ये सब स्कूल्स पे बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है। तो DPS अजमेर से ये वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी माउंट लिट्रा जी स्कूल से है, अहमदाबाद से है दोस्तों। प्री प्राइमरी में रिक्वायरमेंट है PRT TGT PGT ऑल सब्जेक्ट, वाइस प्रिंसिपल PET, फ्रेंच लैंग्वेज, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स कोचेस, लैब असिस्टेंट, फ्रंट डेस्क, एडमिन स्टाफ, स्पेशल एडुकेटर, ये सब में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज पर CVSE बाय लॉज होनी चाहिए, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों का ये सब क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप लोग मेल कर दीजिएगा रिज्यूम, मेल ID नोट कर लीजिए, विदिन 13 दिसंबर 2022, बहुत सारा समय है, लेकिन जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा 13 दिसंबर। और मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि हर एक ईमेल के साथ आप लोग जब रिज्यूम जोड़ेंगे तब उसके आगे एक इम्प्रेसिव कवर लेटर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और माउंट लिट्रा जी स्कूल अहमदाबाद से वैकेंसी है, इंग्लिश में फ्लुएंसी होना, हर एक प्राइवेट स्कूल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी आप लोगों का CVSE स्कूल होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा,
आप लोग इतना इतना मनी खर्च किए होंगे, इतना इन्वेस्ट किए होंगे बीएड डीएड करने के लिए, तो आप लोगों का इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ ना हो एक प्राइवेट स्कूल में तो आप लोगों को नौकरी करना ही होगा, तो इसलिए इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए जो वैकेंसी है दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है डीएफएस से, डीएफएस इंटरनेशनल स्कूल से। तो यहाँ पे ट्रेंड प्री स्कूल टीचर्स ग्रेजुएट विथ ईसीसी एड, ट्रेंड टीचर्स फॉर प्राइमरी क्लासेस ग्रेजुएट विथ डीएड, ट्रेंड हिंदी टीचर फॉर प्राइमरी क्लास ग्रेजुएट इन हिंदी विथ डीएड। तो ये सब टीचर्स के लिए, जो ट्रेंड प्री स्कूल टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स, ट्रेंड हिंदी टीचर, ट्रेंड पोस्ट जो भी है, इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन ज़रूरी है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए देखिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एमए होनी चाहिए आप लोगों का विद इंग्लिश, एमएससी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद बीएड, बीएड मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। और ट्रेंड कंप्यूटर टीचर का रिक्वायरमेंट है, और ट्रेंड लेडी टीचर फॉर फिजिकल एजुकेशन, ये सब का रिक्वायरमेंट है। टीचर्स विद एक्सपीरियंस इन आईसीएसई स्कूल्स विल बी प्रेफर्ड। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को फोटो कॉपीज के साथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देने को कहा गया है 30 नवंबर 2022 में के अंदर ऑन admin@dfsthane.com पे, ठीक है। महाराष्ट्र की वैकेंसी है, एक कुछ कैंडिडेट ने मुझे कहा था महाराष्ट्र से वैकेंसी लाने के लिए। मैं तो वैकेंसी नहीं निकलता हूँ दोस्तों, बट जब ही आती है तो तभी मैं कोशिश करती हूँ सारा सारा स्टेट्स कवर करने के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस स्टेट से आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, मैं लाने की कोशिश करूँगी। डीएफएस से ये वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए दोस्तों, सिलिकॉन सिटी एजुकेशन ट्रस्ट से है। तो सिलिकॉन सिटी एकेडमी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। अर्ली ईयर्स प्रोग्राम में देखिए किंडरगार्टन पे रिक्वायरमेंट है, किंडरगार्टन, और डिग्री विद डिप्लोमा होनी चाहिए आप लोगों का, और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड मंतेसरी और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग विद एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली विद नॉलेज ऑफ जॉलीफोनिक्स, लैब सुपरवाइजर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल फैकल्टी, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, लेडीज प्रेफर्ड, एचआर एग्जीक्यूटिव, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। बहुत सारा देखिए प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल फैकल्टी में रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश साइंस हिजी है इसलिए मैं पढ़ दे रही हूँ दोस्तों, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, कन्नड़ा, संस्कृत, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैचलर मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड, ये सब आप लोगों का होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजिशंस। नेक्स्ट देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर का रिक्वायरमेंट है, लेडीज़ प्रेफर्ड है, यहाँ पे लेडीज़ को प्रेफरेंस दिया जाएगा एचआर एग्जीक्यूटिव में के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो सीवी आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो हार्ड कॉपी ही आप लोगों को देना पड़ेगा, वहाँ पे रिटर्न आर्टिकल एक देना पड़ेगा 150 वर्ड्स पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि हाउ विल आई एड वैल्यू टू द टीम सिलिकॉन सिटी, ठीक है। इसके ऊपर एक आप लोगों का आर्टिकल लिखना पड़ेगा 150 वर्ड पे लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को सीवी अटैच करके जमा करना पड़ेगा विद फोटोग्राफ सिलिकॉन सिटी एकेडमी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कुमार नर्सरी, न्यू बस कॉलोनी, बैंगलोर। बैंगलोर से ही वैकेंसी आई हुई है दोस्तों कर्नाटका की। तो 9341122554 पे आप लोग कॉल करके फर्दर डिटेल स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ईमेल आईडी भी दिया गया है siliconcityacademy@gmail.com पे आप लोग सीवी ड्रॉप करके रख सकते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि स्कूल पे जाकर के ही आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। प्लीज़ इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द रिज्यूम एंड एनवेलप, रिज्यूम पे आप लोगों को पोस्ट का नाम एंड एनवेलप में भी आप लोगों को पोस्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। सिलिकॉन सिटी एकेडमी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बेंगलुरु से वैकेंसी आई हुई है। सिलिकॉन सिटी आप लोग जानते ही होंगे, बेंगलुरु को ही बोला जाता है।
नेक्स्ट वैकेंसी है, देखिए बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है एंड यहाँ पे फ्रेशर्स भी यहाँ पे रिक्रूटेड होता है दोस्तों, फ्रेशर्स को भी चांसेस दिया जाता है। नेशनल पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, बहुत बढ़िया स्कूल है ये, यशवंतपुर बेंगलुरु से वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए टीचिंग स्टाफ्स सीनियर सेकेंडरी, ये सबसे वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी में बहुत सारा सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका जो है दोस्तों बहुत ही हेजी है ये। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है टीचिंग स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट है सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी मिडिल ईयर्स एंड प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम के लिए, प्री प्राइमरी एलिमेंटरी एंड मॉन्टेसरी इंस्ट्रक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड पे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कंप्यूटर पर्सनल्स, ये सब का रिक्वायरमेंट है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स, फिनेंस एग्जीक्यूटिव, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनेंस स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। रिम्यूनरेशन विल नॉट बी अ कंस्टेंट फॉर एक्सपीरियंसड एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स। तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी एंड आप लोगों को एक बोला गया है लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद अ डिटेल रिज्यूम, टू कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ टू प्रोफेशनल रेफरेंस रेफरीज सॉरी। तो अगर दो प्रोफेशनल रेफरेंसेस है आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा डिटेल्स, मतलब कि जो भी आप लोगों का है आपसे रिलेटेड टीचर है या कोई भी सर्विस करता है, इन लोगों का दो का नाम आप लोगों को देना पड़ेगा, उसका नाम, उनका नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अ रिटन हैंड रिटन आर्टिकल ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स ऑन माई कमिटमेंट एज अ टीचर, स्ट्रेटजीज टू बील्ड फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग इन स्टूडेंट्स, ये सब आप लोगों को देना पड़ेगा। ऑन द इनवेलप हाईलाइट इन ब्लॉक लेटर्स द पोजिशन अप्लाइड एंड अप्लाइड फॉर एंड एड्रेस टू द प्रिंसिपल। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है दोस्तों, अगर नज़दीक रहते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है बेंगलुरु से। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है देखिए एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल से है, ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। और जो पोजीशन है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल का इन अ रिप्यूटेड ICSE और CBSE बोर्डिंग स्कूल। और अदर पोजीशंस देखिए पास्टोरल हेड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ऑल स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सैलरी एज पर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड इन द रीजन, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे अच्छी सैलरी दी जाती है दोस्तों, ठीक है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ऐसा फ्रेशर भी आप लोगों से मैं कहती रहती हूँ कि अप्लाई करते रहिएगा, चांसेस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड द CV विद इन 10 days एट स्कूल, ईमेल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आप लोग विद इन 10 days CV सेंड कर सकते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल से वैकेंसी है, फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी देखिए अम्बेसडर स्कूल्स इन दुबई एंड शारजा से वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे KG प्राइमरी एंड मिडिल सीनियर स्कूल पे रिक्वायरमेंट है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, CV आप लोग सेंड कर सकते हैं अगर मीट करते हैं तो, वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज से CV सेंड कर सकते हैं। करियर्स 2023@ambassadoreducation.org पे, मेंशनिंग द सब्जेक्ट नेम इन द ईमेल सब्जेक्ट कॉलम, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन एडुकेशन, मिनिमम मतलब कि बीएड होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, विलिंग टू लर्न, तो अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल पब्लिक स्कूल फाइट फील्ड से आई हुई है, बहुत वैकेंसीज यहाँ से आती रहती है दोस्तों एंड इंडिया की बहुत सारी जगह पर नेशनल पब्लिक स्कूल है। तो देखिए ये वैकेंसी भी नेशनल पब्लिक स्कूल से आई हुई है, KP गोपाल कृष्णा है इसका चेयरमैन। तो यहाँ पे टीचिंग में देखिए बहुत सारा वैकेंसीज है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, प्री प्राइमरी टीचर्स, को करिकुलर टीचर्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है। PE फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स,
नॉन टीचिंग में बहुत सारा पोस्ट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लैब टेक्नीशियंस कम डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ी हूँ, सब्जेक्ट्स आप लोग देख करके आप लोग अप्लाई कीजिएगा इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ऑल द एप्लीकेंट शुड हैव एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल स्किल्स। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज मतलब कि बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है तो इसलिए आप लोगों का स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट्स शुड सेंड द फॉलोइंग बाई ईमेल। क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को अप्लाई करने के लिए? अ पैराग्राफ आउटलाइनिंग देयर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, अ डिटेल्ड रिज्यूम विथ स्कैन कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ टू प्रोफेशनल रेफरेंसेस। ठीक है, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। प्लीज़ इंडिकेट द पोजिशन अप्लाइड फॉर इन द सब्जेक्ट लाइन एंड सेंड इट टू hr@npswhitefield.com पे। सैलरी विल बी एट पार विद द 7th पे कमीशन आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, अच्छी स्किल्स हो तो आप लोग सिलेक्ट तो हो ही पाएंगे, थोड़ा सा फेयर खर्च करके आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, बट ट्राई करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी तो बहुत ही अच्छी दी जाती है। एंड एकोमोडेशन भी, एकोमोडेशन अगर नहीं भी दिया जाता होगा तो आप लोग बहुत ही ईजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th पे लेवल यहाँ पे सैलरी दी जाती है। सैलरी विल बी एट पर, देखिए बोला गया है एज़ पर 7th पे लेवल कमीशन एज़ पर एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए वेबसाइट का, वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, नेशनल पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है व्हाइटफील्ड। ईमेल यहाँ पे देखिए दोस्तों, ईमेल भी दिया गया है, बट ईमेल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें ईमेल करने को बोला गया है फॉलोइंग बाय ईमेल। सॉरी, ये तो बोला गया है मैंने hr@npswhitefield.com पे दिया गया है। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए वैकेंसी अमीओन एमएनटी केयरिंग फ्री स्कूल से है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल हेड नोएडा, टीचर्स फॉर पुश बिहार गुड़गांव नोएडा एंड एडमिन ऑफिसर और फ्रंट ऑफिस पुश बिहार, ये सबसे वैकेंसीज है, देख लीजिए। फर्दर डिटेल्स मैं नहीं पढ़ी हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। डे केयर एंड एक्टिविटी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, स्कूल नर्स और मेडिकल इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजर, स्पेशल एडुकेटर एंड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, वैकेंसी आई हुई है, देखिए अमीओन एमएटीज केयरिंग प्री स्कूल से। तो एमएटी का जो इंस्टीट्यूशन होता है बहुत ही रिप्यूटेड होता है दोस्तों, एमएटी यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, देखिए दिल्ली से आई हुई है, नोएडा ब्रांचेस है, दिल्ली एनसीआर है, पुष्प बिहार है एंड अदर्स है दोस्तों। पुष्प बिहार गुड़गांव नोएडा से वैकेंसी है। ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग वेबसाइट नोट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा hr@mion.met.edu पे आप लोगों को रिज्यूमे सेंड करना होगा। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग अप्लाई करते समय ज़रूर मेंशन कीजिएगा जिन पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, एंड कवर लेटर एक छोटा सा इम्प्रेसिव कवर लेटर जोड़ दीजिएगा ईमेल में। एंड हार्ड कॉपी अगर आप लोग दे रहे हो उसके समय भी आप लोग एप्लीकेशन लेटर जोड़ करके दीजिएगा, इससे इम्प्रेशन बहुत ही अच्छी होती है। एंड दोस्तों, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाए तब सैलरी नेगोशिएशन बहुत ही स्मार्ट वे में करना, क्योंकि इंडिया की जो भी प्राइवेट स्कूल होता है बहुत ही कम सैलरी दिया जाता है, एंड कंट्रेक्चुअल कह करके बहुत कम सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो सैलरी पे ज्वाइन करते हैं वो सैलरी अगर कम रहे, बहुत ही कम रहे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, तो वही कंटिन्यूएशन होता है 2 to 3 years। तो इसलिए बहुत ही स्मार्ट वे पे आप लोगों को सैलरी नेगोशिएशन करना होगा। ठीक है, वैसे तो एक ही इंस्टीट्यूशन में सबके लिए ही एक ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आप लोगों को नेगोशिएशन अच्छी वे में कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल रिटायर्ड और फ्रेश कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर के लिए रिकमेंड है दोस्तों। बंगाली इंग्लिश एजुकेशन कंप्यूटर टीचर, क्वालिफिकेशन एज पर NCTE नॉर्म्स होनी चाहिए, हॉस्टल वार्डन क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ बेसिक हॉस्टल मैनेजमेंट एंड MTS क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास्ड विद नॉलेज ऑफ बेसिक इन कंप्यूटर, होनोरारियम
पर क्लास बेसिस विल बी एज पर एक्सटेंट ऑर्डर ऑफ स्कर्ट वेस्ट बंगाल फॉर टीचिंग पर्सनल्स एंड पर डे बेसिस यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा. एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस विद बायोडाटा इन प्लेन पेपर बाय 24th November. तो प्लेन पेपर पे आप लोगों को एप्लीकेशन राइट करनी पड़ेगी 24th November के अंदर आप लोगों को भेज देना होगा. प्रिंसिपल निगा मनाडा शिक्षा निकेतन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड PTTI भागनी पार्ट 2 निगम नगर दिनहाटा कोचबिहार से वैकेंसी आई हुई है. तो एक कॉलेज की वैकेंसी है दोस्तों, बीएड कॉलेज की वैकेंसी है. क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर के लिए? बंगाली, इंग्लिश, एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर, ठीक है. और बहुत सारा नॉन टीचिंग भी है, देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन, MTS2, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स लाइब्रेरियन एंड कंप्यूटर साइंस का रिक्वायरमेंट है फॉर CBSE स्कूल झाड़ग्राम में, वेस्ट बंगाल के एक झाड़ग्राम से वैकेंसी है. वेस्टेंट हाई स्कूल से वैकेंसी है दोस्तों. कुछ स्कूल वैकेंसी में अपना स्कूल का नाम नहीं देता है. अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और ईमेल में भी आप लोग रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है. दो ईमेल आईडीज नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका से, ये इसका अपडेट मैं ऑलरेडी आगे भी दे चुकी हूँ, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए. PGT सोशियोलॉजी, TGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फाइन आर्ट्स, तो PRT आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट्स, देख लीजिए. काउंसिलर फॉर सीनियर स्कूल, UDC एडमिन और अकाउंट्स असिस्टेंट, LDC एडमिन, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों. यहाँ पे सैलरी एज पर 7 CPC एंड DPS सोसाइटी रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा विद इन 15 डेज. प्रेस्क्राइब फॉर्म आप लोगों को मेन गेट से लेना पड़ेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, 30 रुपीज़ वहाँ पे इंक्लूडिंग GST आप लोगों को पे करना पड़ेगा ऑन ऑल वर्किंग डे सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है. द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कॉल ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है. अच्छे से अप्लाई कीजिएगा. बट दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भी होता है दोस्तों, वहाँ पे सैलरी 7 पे लेवल पे तो बोला जाता है लेकिन नहीं दिया जाता है. बट अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिवली दोस्तों बोलनी चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल्स, कंपेरेटिवली अदर स्कूल्स, यहाँ पे DAB DPS में बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाता है एंड स्कूल एनवायरमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है. अपने आप को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका हो जाएगा अगर आप लोग ज्वाइन कर पाए तो. नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए, जागृति पब्लिक स्कूल से है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आई हुई है. रेजिडेंशियल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है. तो रिक्वायर्ड स्किल्स बोला गया है डायनेमिक कमिटेड टू चिल्ड्रन एंड टीचिंग, ये सब बोला गया है. क्वालिफिकेशन आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd होनी चाहिए. सब्जेक्ट्स दिया गया है लैंग्वेज में इंग्लिश बंगाली, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, PET, MPED होनी चाहिए इसके लिए. कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सब्जेक्ट्स में रिक्वायरमेंट है. PCA और MCA आप लोगों का होनी चाहिए. एक्सपीरियंस 5 ईयर्स इन CBSE स्कूल बोला गया है. एज 30 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए. तो एडमिनिस्ट्रेटर्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे बोला गया है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट विद गुड कंप्यूटर नॉलेज, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एडमिन पर्सनल और इन अ सिमिलर पोजिशन, नॉलेज इन स्कूल ए और सी सिस्टम, फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए. सैलरी अट्रैक्टिव यहाँ पे दी जाएगी, अट्रैक्टिव सैलरी पे पैकेज है यहाँ पे. फूड एंड एकोमोडेशन भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा. कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से वैकेंसी है दोस्तों. CV आप लोग सेंड कर सकते हैं street.survivorsindia@gmail.com पे, ठीक है. फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं. ये वैकेंसी दोस्तों आई हुई है, एक बार देख लीजिए, जागृति पब्लिक स्कूल से, ठीक है, मुर्शिदाबाद की जागृति पब्लिक स्कूल से ही वैकेंसी है. 10+2 स्कूल है. नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों देखिए, चांदपुर आलिया एकेडमी से आई हुई है. यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग कैंपस है. तो यहाँ पे देखिए टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, लाइफ साइंस, बंगाली के लिए मेल एंड फीमेल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है. रूम टीचर से लेकर के एफिशिएंट हॉस्टल सुपर एंड रिसेप्शनिस्ट का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू हो जाएगा 26 नवंबर को, सैटरडे को यहाँ पे इंटरव्यू होगा. तो चले जाइएगा 26 नवंबर को, स्कूल प्रोविंसेस पे आप लोगों को पहुँचना होगा. तो यहाँ पे लिखा गया है देखिए,
सॉरी, यहाँ पे तो एडमिशन के बारे में बोला गया है। नीचे देखिए, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका के लिए न्यूनतम योग्यता, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑनर्स, ग्रेजुएट और मास्टर्स। हॉस्टल सुपर के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएट और मास्टर्स, एंड आवासीय शिक्षा प्रतिष्ठान में भी रिकमेंड है दोस्तों। और साक्षात्कार की तारीख एंड समय दिया गया है 20 नवंबर को, रविवार, मतलब कि संडे को सुबह 12:30 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। सैलरी निगोशिएशन अच्छे से कर लीजिएगा, अगर सिलेक्ट हो पाए तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए। और व्हाट्सएप में आप लोगों को बायोडाटा सेंड कर देना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने देने के आगे आप लोगों को इस नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे सेंड कर देना होगा आप लोगों का जो रिज्यूमे है दोस्तों, ठीक है। तो यही सीज़न है दोस्तों, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी। आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक वैकेंसी मिस होने से आप लोगों का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए, अपने सब्जेक्ट जो भी है, जिन पोस्ट के लिए ही आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, उन पोस्ट पे रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते रहिएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए। एंड इंग्लिश मीडियम पे अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही मैंडेटरी होता है दोस्तों, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।